हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि NIA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जयपुर राजस्थान से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 दिया गया है। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 यहाँ पर दिया गया है। इसे आप 25 मई से लेके 5 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 मई से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट है यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट के लिए 1 पोस्ट है। अगर आपके पास MD रेडियोलॉजी में है या MD आयुर्वेदा इन विकिरण विज्ञान एज अ थीसिस टॉपिक है, साथ ही यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी मिलेगी प्लस NPA भी मिलेगा एंड 48 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से सभी पोस्ट पर फॉलो होगा। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड में। MSc या PhD बायोकेमिस्ट्री में है। एलिजिबिलिटी एंड पे स्केल एंड एज लिमिट सेम है। नेक्स्ट है क्लिनिकल रजिस्ट्रार का चिकित्सक में 1 पोस्ट है। एंड यहाँ पर आपके पास MD आयुर्वेदा में है, द सब्जेक्ट ऑफ का चिकित्सा आपका होना चाहिए एंड पे स्केल 10 है। 48 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में 2 पोस्ट यहाँ पर देखी, 1 SC 1 अनरिजर्व में है। 12th क्लास पास आउट मांगा गया है। इसके अलावा इंग्लिश हिंदी में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए एंड कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। लेवल 2 की सैलरी है, मैक्सिमम 27 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए भी 2 पोस्ट है, यहाँ पर आपके पास 12th क्लास पास आउट हैं एंड डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी में है। साथ ही 3 ईयर के ड्यूरेशन का इंटर्नशिप आपके पास है या बी फार्मा आयुर्वेदा में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 5 की सैलरी है, 30 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए है। यहाँ पर 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ में एंड DMLT मांगा गया है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड अगर आपके पास डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में है तो आपको वरीयता दी जाएगी। लेवल 5 की सैलरी, 28 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर में भी यहाँ पे 2 पोस्ट दी गई है। अगर आपके पास BSc ऑनर्स नर्सिंग में है या BSc नर्सिंग है या आपके पास पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग एंड मिडवाइफ स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में है या आपके पास BSc नर्सिंग आयुष में है या रजिस्ट्रेशन है आपका या आपके पास डिप्लोमा GNM में है, रजिस्ट्रेशन भी है आपका एंड 2 ईयर का आपके पास मिनिमम 25 बेड के हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है या आपके पास डिप्लोमा GNM के साथ में फार्मेसी ऑफ आयुष है एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस 25 बेड के हॉस्पिटल में है तो अप्लाई होना चाहिए। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में या सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। लेवल 7 की सैलरी है, 30 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। MTS के लिए यहाँ पर 18 पोस्ट दी गई है। ST में 2, OBC में 4, एक्स सर्विस मैन में 5, PWS में 2, अंडरजर्व में 5 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है एंड 10th क्लास पास आउट मांगा गया है ओनली। लेवल 1 की सैलरी है, 25 ईयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट ऑफिसर की 1 पोस्ट है, यहाँ पर डिप्टेशन बेसिस पर फिल की जा रही है। एंड देख लेते हैं, इसे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, NSC ST EWS के लिए बात कर ले तो रेडियोलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट क्लिनिकल रजिस्ट्रार के लिए जनरल OBC में है 3500 है, जबकि SC ST EWS में
आपको 3000 की फीस जमा करनी है, क्लिनिकल स्टार के लिए 2000 की फीस है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में यहाँ पर 2000 है, फार्मासिस्ट में, जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट में 2000 की फीस है, जबकि एस सी एस टी डब्ल्यू एस में 1800 है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 2500 है, एस सी एस टी में आपकी 2000 है, एम डी एस में 2000 है, एस सी एस टी में 1800 है, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 2500 है, जबकि एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस में 2000 की फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। तो फ्रेंड्स, 25 मई से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक NIA की वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा, उस दिन से लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एक बार फिर से देख लेते हैं, लास्ट डेट क्या दी गई यहाँ पर, तो 5 जुलाई 2023 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।